बनी हुई है, 12,500 रुपये प्राइस है। आपके प्लेटफॉर्म से जो भी मेरे पास आएगा उसको 10% डिस्काउंट। प्रोडक्ट मौजूद है जो अनब्रेकेबल, जो रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो, ना पीला पड़ता है, ना क्रैक होता है, ना वेट पे फंसता है। यह सोने की चुड़िया यार 2,000 रुपये में क्या लोगे, इस पर भी 10% डिस्काउंट कर सकते हो। उस पर स्क्रैच दे दो, नाखून खींच दो, कुछ भी नहीं होता। नीचे इसका पूरा मटेरियल अनब्रेकेबल है, ट्रिक नहीं होगी ना। ये ऐसा मटेरियल, इसको आप रफ एंड टफ यूज करते में कभी भी नहीं आता, इम्पोर्टेड सुकून से जाता है। पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको लकड़ी की अलमारियाँ, जो कि हमारे पास फुल प्रिंट हैंडमेड प्रिंट होता है, यानी जो हमेशन ये मटेरियल होता है, यानी प्योर मटेरियल के ऊपर बना होता है। इसमें कैचर अंदर इंक्लूड होता है, कब्जा हम यूज़ नहीं करते। बच्चों के करेक्टर की बात करते, जो करेक्टर के हिसाब से हमारे पास अगर बाबा है या बेबी है, बाबा के हिसाब से स्पाइडरमैन, बैटमैन, जो भी करेक्टर आते हैं, थीम आती है, वो हम इसके ऊपर प्रिंट डिज़ाइन हम लोग शेयर कर देते हैं। बाकी कस्टमर अदर सिटी से, कराची से, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास ईजी टू डिलीवरी है। आप ईजिली सरफेस पर इसको, यह अनब्रेकेबल मटेरियल होता है, जैसे कि हैंगर है, इसमें शेल्फ ऑप्शन भी इंक्लूड है। मटेरियल इसका सारा अनब्रेकेबल होगा, रफ एंड टफ इसको यूज़ कर। सी वाहिड ड्रॉ है जिसको आप रफ एंड टफ किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हो। प्राइस चल रहे हैं 17,000-17,500 रुपये, मेरे पास 15,500 रुपये की बात करते चलूँ, सिर्फ और सिर्फ 9,800 रुपये इसके बगैर प्रिंट के। क्वालिटी में भी बहुत फर्क है आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज आए मैं आपकी बात टॉयज़, और माशाल्लाह से ये जो शॉप है, और ये किस शॉप, यानी ये शॉप जो है वाकई कहाँ है, वाकई है गुल प्लाज़ा। तो चलें, हमने कहा चलें क्यों नहीं, हम गुल प्लाज़ा में हीबा टॉयज़ के पास, हीबा टॉयज़ जो शॉप है माशाल्लाह से, उनके पास बचकाना वैरायटी बहुत है। ये देख सकते हैं कि आप लकड़ी की अलमारियाँ हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीन हैं, जिसमें यानी कि मुख्तलिफ़ वैरायटी हैं, मुख्तलिफ़ कलर हैं। और यहाँ पे माशाल्लाह से ड्रॉज़ेज़ भी हैं जो कि इम्पोर्टेड हैं, लोकल भी हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से ये इम्पोर्टेड हैं, और ये आप देख सकते हैं। चलें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें, यहाँ के ऑनर से बात करते हैं जिनका नाम अहमद है, चलें उनसे मिलते हैं और इनके प्राइस पता करते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, खैर खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र है। जैसे कहते हैं, मैं आपको आज जो बेसिक चीज़ें दिखा रहा हूँ, हमारे पास बच्चों की लकड़ी की अलमारियाँ और बच्चों की प्लास्टिक की ड्रॉज़ेस, जो कि यूँ समझ लें कि ज़रूरत की चीज़ है। लकड़ी की अलमारियाँ बच्चों के कपड़े लटकाने के हिसाब से जो बहुत अहम किरदार अदा करती है, इसके अलावा प्लास्टिक की जो अलमारियाँ बच्चों का जो फैलावा होता है ना, उसको समेटने में किरदार पेश करती है। सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको लकड़ी की अलमारियाँ, जो कि हमारे पास फुल प्रिंट हैंडमेड प्रिंट होता है, यानी जो हाथ से पूरी प्रिंटेड बनाई जाती है। जैसे कि इसके अंदर हैंगिंग शेल्फ दोनों ऑप्शन दिए हुए, लैमिनेशन ये मटेरियल होता है, यानी प्योर मटेरियल के ऊपर बना होता है। इसमें कैचर अंदर इंक्लूड होता है, कब्ज़ा हम यूज़ नहीं करते। कब्ज़ा इसलिए यूज़ नहीं करते, कब्ज़ा फ़ौरनली ख़राब हो जाता है। कैचर यूज़ हुआ है, 10 कैचर इसके अंदर लगे हुए होते हैं। हैंगिंग शेल्फ दोनों ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, हैंगिंग शेल्फ दोनों ऑप्शन दिए हुए, आउट क्लास इसके ऊपर प्रिंट हुआ हुआ होता है। इसके अलावा इसमें नीचे शू रैक भी बनाया हुआ होता है, नीचे बच्चों के आराम से आप शूज़ वगैरह जो रखना चाहें वो ईज़िली इसके ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें प्रिंट डिज़ाइन मॉडल की बात करता चलो, आपके सामने बच्चों के करेक्टर की बात करते चलो, करेक्टर के हिसाब से हमारे पास अगर बाबा है या बेबी है, बाबा के हिसाब से स्पाइडरमैन, बैटमैन, जो भी करेक्टर्स आते हैं, थीम आती है, वो हम इसके ऊपर प्रिंट करवा देते हैं। बच्चों की पिक्चर्स के अलावा बेबी करेक्टर्स तो बार्बी आते हैं, बार्बी करेक्टर है, हेलो किटी है, इसके अलावा फ्रोजन है, बहुत सारे करेक्टर हमारे पास में आते हैं। इसमें हमारे पास साइज़ भी आते हैं। मैं सबसे पहले इसकी प्राइस रेंज की बात करता चलूँ, लोगों की रिक्वायरमेंट होती है यार पूरी वीडियो बनाते हैं प्राइस तो बताते नहीं, मैं पहले प्राइस ही बता देता हूँ। लकड़ी की अलमारी की जो हमारा प्योर लैमिनेशन कैचर के अंदर बनी हुई है, 12,500 रुपये प्राइस है। आपके प्लेटफॉर्म से जो भी मेरे पास आएगा उसको 10% डिस्काउंट दूंगा, चाहे वो स्क्रीनशॉट लेकर आए, चाहे वो आपकी वीडियोस के ऊपर कमेंट करके आए। बाज़ाहिर मेरी शर्त ही होगी वीडियो को शेयर कर दे, शेयर से ये फ़ायदा होता है, जो यूट्यूबर हमारे पास वीडियो बनाने आता है तो उनकी ये कि उनको रिस्पॉन्स मिलता है। जाहिर सी बात है, बड़ी मेहनत की जाती है वीडियोज़ के ऊपर, इतना आसान नहीं है वीडियो बनाना। दूसरी मज़ेदार बात, इसके अलावा हमारे पास जो प्रिंट मैं आपको दिखाता चलता हूँ, पिंक कलर के अंदर, ब्लू कलर के अंदर, ऐसे हमारे पास बेइंतहा प्रिंट है। अगर हम कस्टमर को स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ हमारा नंबर होता है, उस पर कस्टमर हमसे रब्ता करते, तो हम जो भी प्रिंट होते हैं हमारे पास, मुख्तलिफ डिज़ाइन होते हैं, वो डिज़ाइन हम लोग शेयर कर देते हैं। बाकी कस्टमर अदर सिटी से, कराची से, ऑल ओवर पाकिस्तान हमारे पास ईजी टू डिलीवरी है। COD पे काम नहीं करते हम लोग, एडवांस पेमेंट के ऊपर काम करते हैं, फुल पेमेंट के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि पार्सल हमारे बड़े होते हैं, जाहिर सी बात है टूट फूट की, हर चीज़ की, ब्रैकेज की जिम्मेदारी हमारी लेनी, हमें लेनी पड़ती है। इस वजह से हम कस्टमर से COD ख़त्म किया हुआ है। इसके बाद मैं हैंगर की बात करता चलूँ, जैसे कि हमारे पास इसी में प्लस लकड़ी की जगह प्लास्टिक में हैंगर ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप इजीली सरफेस पे इसको, यह अनब्रेकेबल मटेरियल होता है, ऐसा नहीं है कि क्रैक वगैरह हो जाए, ऐसा मटेरियल नहीं होता। इसके अंदर शेल्फ ऑप्शन दिया हुआ है, हैंगर ऑप्शन दिया हुआ है, और इसके बाद यह पूरा ऑकर प्रिंट होता है, ये प्रिंट ख़राब फैट कुछ भी नहीं करता।
ये हाथ में नहीं आता। अब मैं कैमरे में तो कैमरा बाहर निकाल के दिखा नहीं सकता, बाकी आपके सामने आप इसको चेक कर सकते हो। इस पर स्क्रैच दे दो, नाखून खींच दो, कुछ भी नहीं होता। नीचे इसके दो छोटी छोटी डॉजेज होती है, ये आपके सामने। इसकी भी प्राइस रेंज की बात करता चलो, हमारे पास ये आर्टिकल दो मौजूद होते हैं। इसके अलावा मज़ीद इसमें डिज़ाइन भी है, इसमें शेल्फ हैंगिंग वाला भी हमारे पास ऑप्शन है। जैसे कि ये हैंगर है, इसमें शेल्फ ऑप्शन भी इंक्लूड है। ये सिर्फ और सिर्फ 15,500 रुपये इसका प्राइस है। इस पर भी 10% डिस्काउंट दूंगा जो दुकान पर मेरी विजिट करेगा इंशाल्लाह। उसके बाद हमारे पास इस टाइप की छोटी ड्रॉजेज होती है जो कहा जाता है सोने की चूड़ियाँ। यार 2,000 रुपये में क्या लोगे, इस पर भी 10% डिस्काउंट दूंगा। इसके अंदर ये ऐसा आइटम दिया जाता है कि ये किचन वेयर में रखने के हिसाब से होता है, ठीक है। वही मटेरियल इसका सारा अनब्रेकेबल होगा, रफ एंड टफ इसको यूज़ करो, कोई टेंशन नहीं। प्योर फोनिक्स कंपनी की होती है ये, चिल्डर इसका नाम होता है। प्लस इसके अंदर 4 ड्रो हमारे पास दिया हुआ है कलरफुल में। इसमें आपको 5 ड्रो चाहिए, 5 ड्रो भी मिल जाएगा। इसके 2,000 रुपये प्राइस है। इसमें अगर आप 5 ड्रो लोगे 2,500 रुपीज़ है, लेकिन इस पर भी 10% डिस्काउंट मैं दूंगा। इसके बाद जिसके लिए वीडियो बनाई है वो चीज़ तो मैं आप दिखाऊंगा। हमारे पास ऐसा एक प्रोडक्ट मौजूद है जो अनब्रेकेबल, जो रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो, ना पीला पड़ता है, ना क्रैक होता है, ना वेट पे फंसता है। ये ऐसी वाहिद ड्रो है जिसको आप रफ एंड टफ किसी भी सरफेस पे यूज़ कर सकते हो। इसका पूरा मटेरियल अनब्रेकेबल है। ये ऐसा मटेरियल है कि कस्टमर, मैं ऐसा नहीं है कि मैं, मेरी कोई ट्रिक होगी भाई, ऐसा नहीं है। इसको ये तो ट्रिक नहीं होगी ना, ये ऐसा मटेरियल इसको आप रफ एंड टफ यूज़ करते हैं, ना इसके ऊपर स्क्रैच आता, ना ये वेट पे फंसती है। इसकी दराज खाली पल्ला नहीं, इसका दराज भी सारा अनब्रेकेबल मटेरियल में होगा, ठीक है। इसकी भी आप अगर प्राइस रेंज की बात करते हैं चलूँ, पूरी मार्केट के अंदर इसके प्राइस चल रहे हैं 17,000-17,500 रुपये। मेरे पास 15,500 रुपये इसके प्राइस है। चाहे बल्क में क्वांटिटी मुझसे पीस लें, चाहे एक पीस ले लें कस्टमर, उस पर भी 10% मेरी दुकान पे आउटलेट पे डिस्काउंट दूंगा। अच्छा, और 15,500 रुपये इसके प्राइस है। जी बिल्कुल, 10% डिस्काउंट ये आ जाती है, 1,550 रुपये लेस हो जाती है, समथिंग कुछ 14,000 कुछ की पड़ती है, ठीक है। इसके बाद इसमें साइज़ भी हमारे पास आते हैं। जैसे इसमें कस्टमर हमसे कॉन्टैक्ट पर रब्ता करेगा, मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दूँ, 03222182132। कॉल ना कीजिएगा, व्हाट्सअप पर रब्ता कीजिएगा। इसकी वजह ये हम बाजू का, जाहिर सी बात है ऑनलाइन स्टोर नहीं है, पूरी दुकान है। तो कस्टमर कॉल करते हैं, एतराज़ करते हैं कि यार अहमद भाई कॉल नहीं पिक करते, तो मैं इसलिए पहले ही बता दूँ कि व्हाट्सअप पर रब्ता करें, इंशाल्लाह 15 से 20 मिनट में आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। हमारी जो पिक्चर्स होती हैं अपडेट होती है वो भी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात, इसमें हमारे पास साइज़ भी आते हैं और ये भी ऑकर प्रिंट होता है। अभी मैं इसके ऊपर पैर रख के खड़ा हुआ, आपको कोई इसके स्क्रैच नहीं दिखेगा, कोई इस पर निशान नहीं दिखेगा, उसी पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि मटेरियल ऐसा है। अब कुछ कस्टमर की रिक्वायर्ड होती है, यार अहमद भाई आपके पास ये चीज़ लेने का क्या फ़ायदा, तो मार्केट में 9-10 हज़ार रुपये की मिल जाती है। 9-10 हज़ार रुपये की ये चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि इसके ऊपर प्योर इम्बोज हुआ हुआ है, मेड इन चाइना, ठीक है। ये कैमरा अगर जूम करके आपको पकड़ सके तो इस पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना, इस पर इम्बोज हुआ हुआ है पूरा का पूरा प्रॉपर, देखिए मेड इन चाइना इसके ऊपर लिखा हुआ है। और ये इम्पोर्टेड डॉजेज जो होती है वो डब्बे में बिल्कुल एक्यूरेट पैक हुई हुई आती है, आपको खुद घर ले जाके असेंबल करनी पड़ती है। हम वीडियो लिंक भी सेंड करते हैं। अब इसी में हमारे पास सेम ऐसे आर्टिकल डॉजेज के पड़े हैं। अब ये मेड इन पाकिस्तान है, ड्यूरेबल है, सही है, लेकिन जो इम्पोर्टेड की बात है वो इसके अंदर नहीं है। बाकी ये वेट पे ड्यूरेबल है, वेट उठा लेती है, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं उठाती। इसकी प्रिंट की किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, बाकी मटेरियल यह भी बेस्ट है। इसकी प्राइस की बात करते चलो, सिर्फ और सिर्फ 9,800 रुपये इसके बगैर प्रिंट के प्राइस है। प्रिंट वाली जो है वो 10,500 रुपये की। अच्छा, इसके ऊपर भी इस मटेरियल की भी वही पोजीशन है जो आपने पहले दिखा? नहीं सर, इस मटेरियल की वो पोजीशन नहीं है। ये हार्ड मटेरियल होता है, इसको मैं क्रैक बैंड कुछ भी नहीं कर सकता। ये जैसी है वैसी कंपनी से आती है, वैसे ही डिलीवर होती है, ये डब्बे में पैक नहीं आती। ऐसे ही इसके ऊपर रैप हुआ होता है। दुकानदार ऐसे भी होते हैं, यार इसकी रैप फाड़ के डिस्प्ले में रख दी, बोला अहमद भाई ने वीडियो बनाई हुई तो इम्पोर्टेड है। नहीं भाई, इम्पोर्टेड नहीं है, इम्पोर्टेड के ऊपर लिखा हुआ होगा मेड इन चाइना। इम्पोर्टेड खाली इटली ताइवान इसको ही नहीं कहते, जो इम्पोर्ट होता है उसे इम्पोर्टेड कहा जाता है। इसके बाद मेरे पास जैसे कि छोटे साइज़ के अंदर भी ड्रॉ रखा हुआ है, ये ऐसे ही लोकल आर्टिकल के अंदर है। अभी ये इस तरीके से पैक हुई होती है, दिखाने का मकसद ये है कि यार इम्पोर्टेड और लोकल में फ़र्क। कुछ कस्टमर मेरी दुकान पर पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई दुकानदार एड्रेस नहीं बताते। मैं प्रॉपर एड्रेस भी आपको बता दूँ, गुल प्लाज़ा पहुँच कर आप पहले मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। अगर कोई दुकानदार से एड्रेस नहीं पूछा, मैं अपनी दुकान का बंदा भेज के आपको रिसीव कर पा लूँगा। नहीं तो मेरी शॉप का एड्रेस है मेज़नाइन फ्लोर, शॉप नंबर 79, हिबा टॉयज़। आप किसी भी पूछ लें या कमेटी ऑफिस के पास आ जाएं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर मुझे कॉल कर लें, जो स्क्रीन पे चल रहा होगा नंबर, दो नंबर हमारे चल रहे होंगे, दोनों नंबर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। तो उससे ये कि कस्टमर को इजी हो जाता है आने में। दूसरी बात ये कि ये देखो, ये रैप पैक हुई हुई है पूरी,
ठीक है। ये रैप पैक मटेरियल, तो रैप पैक मटेरियल का यही है कि लोकल मैट के ऊपर बनी है, क्योंकि कंपनी में पैक नहीं आती। अगर इन केस अहमद भाई, अगर जो कस्टमर आते हैं तो इसको वो ओपन करवा लेते हैं और उसके बाद वो परचेज नहीं करते, कोई इशू नहीं है भाई, वो तो मेरा काम है, ऐसा मेरा काम नहीं, अल्लाह ना करे इतनी बड़ी दुकान, ये ओपन हुई भी ना आपके सामने, ये लोकल मटेरियल आपके सामने है, मैं खोल के जी, और इसका साइज का भी बड़ा डिफरेंस है, ये आपके सामने इम्पोर्टेड और दोनों पड़ी हुई, आपको साइज का भी आइडिया हो रहा होगा कि 3 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई लेंथ का भी फर्क आ रहा है, और चौड़ाई जो इसकी ये 20 इंच है, 22 इंच है। अहमद भाई साइज में तो पता ही चल रहा है, मगर इसकी क्वालिटी में भी बहुत फर्क, क्वालिटी में बहुत फर्क है आपके सामने, क्योंकि फिनिशिंग में हर चीज़ में ही फन गया। अब इसका दराज देखो, वन साइड में डिप करता हूँ फंसता है, वो फंसने की वजह ये, इंपोर्टेड में कभी भी नहीं आता, इंपोर्टेड सुकून से जाता है, सुकून से बंद होता है, और ये दराज पूरा आप निकाल लो, ऐसा बाज़ोगत क्या होता है यार, दराज में चीज़ें होती है ना, अब इसमें वेट आया, ये वेट आने के बाद जब इसको लॉक किया तो ये बाहर नहीं आएगा, क्यों नहीं आता बाहर, क्योंकि इसके साइड पर क्रीपर लगा हुआ है, ये बिल्कुल इजीली बाहर नहीं आ सकते, इसको निकाल के साफ़ वगैरह कर लो, जो करना हो वो इजीली कर सकते हो। और मज़ेदार बात, इसके मेरे पास न्यू आर्टिकल भी मौजूद है, पहले मेरी वीडियो लोगों ने देखी होगी, मेरे पास 4 से 5 डिफरेंट मॉडल्स ही थे, अभी कम से कम इसके अंदर 10 से 12 प्रिंट आए, बाबा हो या बेबी हो, नेचुरल यानी रूम के हिसाब से कोई भी ऐसा प्रिंट रखना हो, ग्रे कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, जैसे पिंक कलर है, ब्लू कलर है, इसी में मेरे पास ग्रे कलर भी आता है, यानी मॉडल वैरायटी बहुत सारी आती है। इसके बाद फिर इस टाइप की हमारे पास छोटी ड्रॉजेज होती है, जो किचन वेयर में रखने के लिए यूज़ होती है, या इसके अलावा पार्लर वगैरह में हिसाब से, मेकअप वगैरह रखने के हिसाब से यूज़ होती है, मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ होती है, ये भी फोनेक्स कंपनी की ड्यूरेबल है। इसकी प्राइस की रेंज बात करें सिर्फ और सिर्फ 7,000 रुपये इसके प्राइस है भाई, मेरे पास, मैंने खुद अपना प्रोडक्ट दूसरी मार्केटिंग में देखा है, 1500-1500 रुपये का फ़र्क है। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ही मेरा सिर्फ ये कि यार कस्टमर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर ज़्यादातर धोखा भी खाते हैं भाई, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, सिर्फ फेसबुक पेज से चीज़ ना मंगाओ, प्रॉपर अगर बंदे की वेबसाइट है, प्रॉपर अगर बंदे का आउटलेट दिया तो आउटलेट के थ्रू मंगवाओ, इससे बंदे को भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, मैंने जो चीज़ मंगाई है प्रॉपर, यार मैंने जो मंगवाया वो आएगा, नहीं आया तो मैं इसकी दुकान पे वापसी भिजवा सकता हूँ। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी है, वो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, माशाल्लाह मेरे सऊदीया के कस्टमर, मेरे दुबई के कस्टमर, ऐसा अहमद भाई जो आपको बेहतर लगे वो आप चीज़ भेज दो, इसकी वजह होता है मेन होता है ट्रस्ट, जो ट्रस्ट चीज़ होती है ना, कारोबार, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठा हूँ, मेरे मुँह में झूठ है ना तो मेरा कारोबार किसी काम का नहीं है। अगर आप चीज़ कस्टमर से पैसे ले रहे हो, उसके जो चीज़ दे रहे हो, वो चीज़ कम से कम ऐसी दो कि कस्टमर दिल से दुआ दे, यार किसी से 1000 कमाते हो ना, किसी से 500 कमा लो, लेकिन चीज़ तो उसको ऐसी दो, हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, देखिए वो आपका रेगुलर कस्टमर बन, जाहिर सी बात है सर, मैं 11 साल की उम्र से काम करूँ, मेरे पास ऐसा कस्टमर है अहमद भाई, मैं इतना सा आपको देखता था, आज माशाल्लाह कट काट सब निकाल लिया, एक दुकान थी माशाल्लाह 4 दुकानें लेकर बैठा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जब मिलेंगे तो मैं आपको मेरा पूरा शोरूम जो है छोटा सा वो विजिट कराऊंगा, मेरे लिए तो शोरूम में बड़ी मेहनत से कमा है, उसमें मेरे बच्चों के टॉयज, बच्चों के न्यू बॉर्न आइटम, बच्चों की एसेसरीज, सारे प्रोडक्ट इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में आपको वो भी दिखाऊंगा, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको प्रॉपर दोबारा फिर से एड्रेस बता दूँ, हिबा टॉयज शॉप नंबर 79 मेज़नाइन फ्लोर गुल प्लाजा कराची, दुआओं में याद रखिएगा जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बस अहमद भाई की एक रिक्वेस्ट है कि वो कॉन्टेक्ट करें तो सिर्फ मैसेज के थ्रू करें, व्हाट्सअप नंबर है वो मैसेज। और मैं एक यार बात ये भी बता दूँ, जो वीडियो बनाई है बड़ी मेहनत की जाती है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करनी है, शेयर करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर देना है कमेंट बॉक्स में आके, चीज़ कैसी लगी, कैसी वीडियोज लगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपका रिस्पांस होगा तो हम जाहिर सी बात है दिल से वीडियोज़ बनाएंगे। तो हमारी टाइमिंग है वो सुबह 1 बजे ओपन होती है, रात को 9 बजे तक हमारी शॉप ओपन होती है, 9 बजे के बाद 9:30 तक क्लोज कर देते हैं हम शॉप, ठीक है। चले जी वीडियो को एंड करते हैं, माशाल्लाह से वीडियो में जो अहमद भाई हैं हमारे, माशाल्लाह से अहमद भाई ने पूरी लकड़ियों की अलमारियों की डिटेल बता दी हैं, प्राइस भी बता दी हैं, और प्लास्टिक की जो इम्पोर्टेड ड्रॉज हैं उनको मरोड़ तरोड़ के भी दिखाया है आपको। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलामु अलैकुम।